नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं, इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। इस बार रक्षाबंधन पर प्रकृति के लिए होगा विशेष उपहार। मौसमी फूल पत्ती और प्राकृतिक रंगों के साथ कद्दू, करेला, नींबू, सेम और तुरई की अलग अलग बीजों से बनाई जा रही है इको फ्रेंडली राखियां। सूरत के उमरपाड़ा थाने की अनोखी पहल। ड्यूटी पर तैनात प्रकृति प्रेमी पुलिस कर्मियों ने पेश की पर्यावरण संरक्षण की मिसाल। वेस्ट मटीरियल से पुलिस स्टेशन को बनाया खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के तरसीम लाल घाटी में मिट्टी के बर्तन बनाने की पारंपरिक कला को कर रहे हैं जीवित। 70 वर्ष की उम्र में भी उनके सदे हाथ मिट्टी को हर रूप में ढालने में पूरी तरह से हैं पारंगत। हीटवेव से निपटने का नया तरीका। इंडियाना में एक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बनाया खास किस्म का सफेद पेंट। ये पेंट दीवारों की ज्यादा ठंडक रखने के साथ ही ऊर्जा की खपत को भी करेगा कम। सीरिया में दमिश्क सिटाडेल नाइट्स फेस्टिवल का आयोजन। 5 दिवसीय फेस्टिवल में कला और संगीत प्रेमियों का नजर आया संगम। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं परंपरा और विरासत की। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। बाजार रंग बिरंगी राखियों और उपहारों से सज गए हैं। अगर इस रक्षाबंधन आप अपने भाई बहनों के साथ साथ प्रकृति को भी उपहार देना चाहते हैं तो इको फ्रेंडली राखी खास आपके लिए है। एक एक बीज को बड़े ही करीने से लगाकर यहां तैयार की जा रही हैं इको फ्रेंडली राखियां। इन राखियों को बनाने में प्रयोग होने वाली हर एक चीज पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। छत्तीसगढ़ के रायपुर के नजदीक सेरीखेड़ी गांव में उजाला संगठन की ओर से नियुक्त महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इन दिनों बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लगातार राखियां बनाने में जुटी हैं। ग्रुप की महिलाएं आकर्षक डिजाइन की राखियों को तैयार कर रही हैं। इसमें धान, खेड़ा, तुरई, लौकी, कद्दू, करेला, तुलसी, मौसम्बी और सेम के बीजों का इस्तेमाल होता है। साथ ही इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ मौसमी फूल और पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा राखियों को और आकर्षक बनाने के लिए कपास, रोली या ऊन, मोरपंख, प्राकृतिक रंग, लकड़ी से बने मोती और यहाँ तक कि गोबर का भी प्रयोग किया जाता है ताकि त्योहार के बाद राखी का एक एक हिस्सा प्रकृति के काम आ सके। राखी का त्योहार बीत जाने के बाद इस राखी को किसी गमले या जमीन में डाल सकते हैं जिससे राखी में लगे बीज आसानी से उग सके। राखी बनाने का उद्देश्य यह है कि ये धान और बीज की राखियां हैं। बीज की राखियां राखी बांधने के बाद बीज को कहीं भी कुछ गमले में डालकर या और कहीं उसको उगाकर इसका सही उपयोग कर सकते हैं, ना कि जैसे कि मार्केट में मिलते हो राखियां जैसे उसको यूज कर लिया और वेस्ट हो गया, ये उद्देश्य नहीं है। हम लोग का राखी बीज वाली और धान वाली राखी बनाने का उद्देश्य है कि कुछ राखी के बाद कुछ अच्छा सा हो जाए जिसे और कुछ उपयोग में आ सके। इको फ्रेंडली राखियां लोगों को भी बहुत पसंद आ रही हैं। देश में छत्तीसगढ़ के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यहाँ की राखियां जाती हैं। इसके अलावा विदेश में भी इन राखियों की मांग है। समूह से जुड़ी महिलाएं एक दिन में 250 से 300 राखियां जबकि पूरे सीजन में 5000 से 6000 राखियां बना लेती हैं। हम लोग जब से शुरू किए हैं और लास्ट राखी तक 5 से 6 हजार तक बना लेते हैं। और ये धान वाला है ना तो थोड़ा बारीकी किसके साथ बनाना पड़ता है।
कितना मेहनत लगता है इसमें क्वांटिटी बनाने में? एक दिन में सभी महिला मिलकर 300 से 200 के बीज बना लेते। अपन पास 8000 के या राखी के बीज वाले ऑर्डर है, तो कुछ जिला पंचायत है और कुछ ऐसे मार्केटिंग लगा के और जो यहाँ आते वो मन खरीद के ले जाते। हर साल रक्षाबंधन पर बाजार में रंग बिरंगी राखियों की भरमार रहती है, लेकिन इनमें से अधिकतर राखियां सिंथेटिक सामान की बनी होती हैं, जो एक दिन बाद कूड़े के ढेर में नजर आती हैं। तो इस बार अगर आप अपनी राखी को यादगार बनाना चाहते हैं, तो ये इको फ्रेंडली राखियां जरूर खरीदें, जो कीमत में तो कम है ही, साथ ही कुदरत के लिए भी एक प्यारा उपहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। पर्यावरण संरक्षण के लिए देश भर में हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात के एक पुलिस स्टेशन ने जो प्रयास किया है उसकी खूब सराहना हो रही है। सूरत के उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन की खासियत यह है कि इस थाने को खूबसूरत बनाने में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही प्राकृतिक तरीके से पेड़ पौधों की देखभाल भी की जाती है। इस थाने में लगी सभी सुविधाएं आधुनिक हैं। गुजरात के जिला सूरत में उमरपाड़ा तालुका मुख्यालय में स्थित उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन दूर से ही खूबसूरत दिखाई देता है, साफ सुथरा, पर्यावरण के अनुकूल। यहाँ पहुंचकर किसी को भी घंटों बैठे रहना अच्छा लगता है। यह थाना दूसरों से अलग है क्योंकि यहाँ कार्यरत सभी पुलिसकर्मी अधिकारी पर्यावरण प्रेमी हैं। यहाँ ड्यूटी पर तैनात साफ सफाई और प्रकृति प्रेमी पुलिसकर्मियों ने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाया है। पुलिस स्टेशन के प्रकृति प्रेमी पुलिसकर्मियों ने साझा सुविधाओं के साथ एक हरा भरा और स्वच्छ पुलिस स्टेशन बनाया है। पेड़ों से ढका परिसर पक्षियों की चहचहाहट के साथ पुलिस स्टेशन को एक सुखद एहसास देता है। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी है वो सबको एक पौधा दिया जाता है और उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि उसको पूरी उसकी सार संभाल उसको ही करनी है। जो दिन की शुरुआत होती है तो पुलिस स्टेशन का काम तो वो रूटीन रहता है, लेकिन हर कर्मचारी है वो एक एक जो पौधा है उसको पहले देखता है, बाद में उसका काम वो चालू करता है। उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन न केवल न्याय का केंद्र है, बल्कि वर्षा का जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, वर्मी कंपोस्ट, ध्यान, किचन गार्डनिंग का एक जीवंत और प्रेरक उदाहरण भी है। इस थाने में पानी और पत्तियों को बर्बाद होने से बचाया जाता है, जिसमें अपशिष्ट जल को जमीन में छोड़ दिया जाता है। यहाँ बारिश का पानी संग्रहित करने के लिए बनाए गए भूमिगत टैंक में 40,000 लीटर पानी जमा हो सकता है, जो साल भर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराता है। साथ ही गिरे हुए पेड़ के पत्तों, गाय के गोबर में मिश्रित सूखे कचरे को वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए थाने में ही वर्मी कंपोस्ट बेड स्थापित किया गया है। वेस्ट मटेरियल से बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाकर आकर्षक सजावट की गई है। बच्चों के लिए एक खेल का मैदान है, जहां थाने से सटे पुलिस क्वार्टर में रहने वाले पुलिस परिवार के बच्चे और यहां आने वाले बच्चे खेलते हैं। और जैसे देखिए आप, यहां पर जो चिड़ियाएं हैं या और भी पशु पक्षी हैं, तो उनको खाने के लिए जो खाद चाहिए, दाना पानी चाहिए, वो पानी सब ऐसे ही मैकेनिकल तौर पर बनाया गया है कि जैसे जैसे वो मतलब कंजम्पशन उसका होता जाए, वैसे वैसे खुद रिफिल होता जाए। और लोकल वहीं के लोगों ने मिलके ही ये सब चीज़ें बनाई हुई है, तो एक अच्छा सा साइंटिफिक नेचुरल जो अवार्ड होता है पशु पक्षियों के लिए वो भी बनाया गया। उमरपाड़ा पुलिस स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए अपशिष्ट पदार्थ का रचनात्मक उपयोग किया गया है। बेकार टायरों से टंकी, प्लास्टिक की बोतलों से पेड़ों के लिए स्वदेशी ड्रिप सिंचाई प्रणाली, दीवारों को वर्ली चित्रों से सजाया गया है। साथ ही यहां भगवान शिव की मूर्ति और उसके ऊपर बहता पानी तालुका निवासियों के लिए आकर्षण और चर्चा का केंद्र बन गया है। इस मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करने से परम शांति का अनुभव होता है। स्वच्छता अभियान और यातायात नियमन जागरूकता के लिए दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों
ये लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने परिवार के लिए एक सुंदर आशियाना बनाने की चाहत हमेशा रहती है और गरीबों की इसी चाहत को अब कुल्लू ज़िले के शहरी क्षेत्रों में साकार कर रही है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों को अपना पक्का आशियाना उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से बीते 8 वर्षों में देश भर में लाखों परिवारों का पक्के मकान में रहने का सपना साकार हुआ है। इससे पहले गरीब तबके के अनेक लोग आर्थिक तंगी और शहरी क्षेत्रों में अपनी जमीन न होने के कारण वर्षों से कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे। हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू के शहरी क्षेत्रों में भी कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना लाखों गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा यहाँ पे पहले कच्चा मकान था, फिर मुझे पता चला भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे कोई स्कीम चली हुई है। मैंने लेंटर वाला अपना पक्का मकान बना दिया है और मुझे बहुत खुशी है। मैं केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे भी ये स्कीम के तहत पैसा हासिल हुआ, जिसके तहत मैंने अपना ये मकान अपने रहने योग्य बना लिया है। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनके चलते हमारा ये सपना आज पूरा हो गया। मेरा कच्चा मकान था, हम चाहते थे कि हमारा पक्का मकान बन जाए और आज मेरा पक्का मकान बनकर मैं अपने मकान में रहता हूँ और मेरा परिवार भी यहाँ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कुल्लू शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 201 मकानों को बनाने की मंजूरी मिली है। योजना के तहत अब 153 मकान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुके हैं और योजना के लाभार्थी अपने नए आशियाने में रह रहे हैं। कुल्लू से आशीष शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहाँ चाह वहाँ रहा, इस कहावत को सच साबित करती है ये खबर। आइए देखते हैं। तो अब आपकी मुलाकात कराते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रहने वाले तरसीम लाल से, जो 70 वर्ष की उम्र में भी पूरी मेहनत और लगन के साथ सदियों पुराने इस कला को जीवित रखे हुए हैं। 70 वर्षीय तरसीम लाल के हाथ पिछले कई दशकों से यूं ही मिट्टी को सांचे में ढालते आ रहे हैं। छोटे बड़े मटके हों, कुल्लड़ हों या फिर सजावट का सामान, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रहने वाले तरसीम लाल के सदे हाथ मिट्टी को हर रूप में ढालने में पूरी तरह पारंगत हैं। 70 वर्ष की उम्र में जहां अधिकतर लोग काम छोड़ देते हैं, वहीं तरसीम लाल आज भी पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को अंजाम देने में लगे रहते हैं। तरसीम लाल के हुनर की वजह से आज भी मिट्टी के बर्तन बनाने की पारंपरिक कला जीवित है। हालांकि बदलते वक्त का प्रभाव इस कला पर भी पड़ा। लोगों ने मिट्टी के बर्तन के स्थान पर प्लास्टिक या स्टील के बर्तन लेने शुरू कर दिए, लेकिन अब स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर फैल रही जागरूकता के बीच एक बार फिर से परंपरागत मिट्टी के बर्तनों को लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है। तरसीम जी चाहते हैं कि इस कला को बचाने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। आजकल जो नई जनरेशन है वो पढ़ लिख कर इस काम को करना ही नहीं चाहती है, तो हम तो किसी वजह से पढ़े नहीं तो इसलिए काम कर रहे हैं। बाकी आने वाले काम अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये करने वाला कोई नहीं है। जब से होश संभाला 50 साल से यही काम कर रहा हूँ सर, तो बाकी काम तो ठीक है, मगर अभी जो मतलब पढ़ लिखे के बच्चे वो तो करना नहीं चाहते कि इसमें ऐसा है कि पूरी फैमिली कार में योगदान दे तब काम हो सकता है, तो एक आदमी का काम नहीं है। इसलिए मतलब जो भी नवीन जनरेशन है वो इसको मतलब काम नहीं करना चाहती। तरसीम लाल के पड़ोसी भी उनकी मेहनत के कायल हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार भी इस कला को बचाने और आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, तो इसलिए युवा अगर गंभीरता से सोचे तो ये कला रोजगार का एक बेहतर जरिया बन सकती है।
जो भी यूथ आज के टाइम में जो डिमोटिवेट हो रहा है, बोल रहा है कुछ काम नहीं है या हमें कुछ काम कर रहे हैं, लोगों में इतनी एनर्जी नहीं है, वो एक बार आए इनको देखे कि ये किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, और इनको आप देख के ही आपको अपने आप में भी कुछ ऐसी एनर्जी फील होगी कि जिस तरीके ये काम करते हैं, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है इस काम को करने में, और ये 70 की एज में भी अभी भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। जो मिट्टी का काम करना आपको देखने में जब आपके पास जो चीज़ आती है वो आपको बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन आप यहाँ पर आइए देखिए कि किस तरीके से इसकी मेहनत लगती है उस चीज़ को काम करने के लिए। और मैं यूथ को यही कहूँगा कि काम आप ये कोई भी काम कीजिए, मेहनत लगती है, और किसी भी चीज़ में है स्कोप, हर चीज़ में है, गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प कर रही है, लेकिन आप आगे आइए, कुछ भी चीज़ पकड़िए, उसको काम को करना शुरू कीजिए। आगे अगर चाहें कोई बच्चे इस फील्ड में आना काम करना, तो इसके लिए स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आप देखेंगे डिस्पोजेबल सरकार जो बंद करती जा रही है, प्लास्टिक हो गया बैन करती जा रही है, ये जो मिट्टी के बर्तन हैं इनमें खाना हेल्दी है क्योंकि सेहत के लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है प्रकृति के लिए भी है। शुगर, बीपी, ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अगर इसके आप घड़े का पानी के आप कहेंगे, सुराही के पानी की आप बात करेंगे, तो अगर जो बंदा इसमें पीता है तो मेरे हिसाब से उसको ना बीपी की ना शुगर की किसी चीज़ की इसको जरूरत नहीं रहती है। एक वक्त ऐसा आया जब मिट्टी के बर्तनों को लोग दरकिनार करने लगे, लेकिन वक्त बदला, लोगों की सोच बदली और फिर घरों में, होटलों में मिट्टी के बर्तन नजर आने लगे। तो इसका श्रेय जाता है तरसीम लाल जैसे लोगों को, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी इस कला का साथ नहीं छोड़ा और इन्हीं की वजह से ये कला जीवित रह पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिसका हमसे गहरा ताल्लुक है। आज के समय में हीट वेव एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इससे निपटने के लिए कई तरीके निकाले जा रहे हैं, जिनमें से एक है वाइट पेंट। इंडियाना में यू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा पेंट विकसित किया है जिसे अब तक का सबसे सफ़ेद पेंट कहा जा रहा है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये पेंट हीट वेव की समस्या से निपटने में काफ़ी सहायक है। इंडियाना में पर्ड्यू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा पेंट विकसित किया है जिसे अब तक का सबसे सफेद पेंट कहा जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पेंट में इतनी क्षमता है कि ये एयर कंडीशनिंग के जरिए सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजते समय होने वाली ऊर्जा की खपत को कम कर सकता है। हमारा सबसे अच्छा फॉर्मुलेशन बेरियम सल्फेट पर आधारित है। यह 98.1% सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित कर सकता है, इसलिए यह वास्तव में बहुत मददगार है। उन्होंने आगे कहा कि यह पेंट बाहरी सतहों की परतों के तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा करेगा। इसके शोधकर्ता यह दावा करते हैं कि इसमें एक अद्वितीय अल्ट्रा सफेद रंग है जो किसी भी पारंपरिक सफेद रंग को मात दे सकता है, जो सूरज की रोशनी और गर्मी के अब्सॉर्प्शन को काफी हद तक कम करता है। ऐसे समय में जब कूलिंग सिस्टम की बढ़ती मांग ऊर्जा की खपत को बढ़ा रही है, ये व्हाइट टेस्ट पेंट शहर में होने वाली हीट वेव्स के प्रभाव से निपटने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा पहला आवेदन जो हमारे दिमाग में आया वह निश्चित रूप से इमारतें हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कमर्शियल और रेसिडेंशियल इमारतें हैं और उनकी छत का क्षेत्र बड़ा है। रुआन मानते हैं कि वास्तव में प्रभावी होने के लिए पेंट की एक मोटी परत की आवश्यकता होती है, लेकिन घरों और कार्यालयों जैसी स्थिर संरचनाओं के लिए यह कोई समस्या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सात समंदर पार की दुनिया की। सीरिया में इन दिनों दमिश्क सिटाडेल नाइट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में कई बड़े क्षेत्रीय कलाकार भाग ले रहे हैं। इस फेस्टिवल ने युद्ध और अन्य परेशानियों से जूझते लोगों को खुशियां मनाने का एक अवसर प्रदान किया है। लोगों से खचाखच भरा स्टेडियम, गाना गाकर अपनी खुशी जताते और मुस्कुराते चेहरे। Yeah.
नजारा है सीरिया में चल रहे फेस्टिवल का। दरअसल सीरिया में मौजूदा आर्थिक हालात के बावजूद दमिश्क के सिटाडेल में पिछले दो साल से लगातार मनाया जाने वाला दमिश्क सिटाडेल नाइट्स फेस्टिवल की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। इस फेस्टिवल में स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकारों की मेजबानी की जाती है, साथ ही उन्हें बेहतर है। पूरे पांच दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान लोगों की भारी भीड़ संगीत पर थिरा तो सिटाडेल नाइट फेस्टिवल सीरिया का ये फेस्टिवल पांच दिनों का होता है। और अब देख लेते हैं बायोस्कोप की बातें। भोजपुरी इंडस्ट्री के निर्माता अवधेश कुमार सिंह की फिल्म मैं तेरे इश्क में का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें प्रिंस सिंह राजपूत एक खतरनाक एक्शन देखने का उनका मिल रहा है। साथ ही इस फिल्म में एक खूबसूरत सी रोमांटिक स्टोरी भी चलती दिखाई दे रही है। मैं तेरे इश्क में प्रिंस राजपूत, पायस पंडित, अवधेश मिश्रा, अनीता रावत, विनीत विशाल और अन्य प्रमुख लोग भूमिका में हैं। निर्देशक अजय कुमार और निर्माता अवधेश कुमार सिंह हैं। इस फिल्म में प्रिंस सिंह राजपूत एक अंडर कवर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिसमें खुलासा क्लाइमेक्स में होता है। ये फिल्म बेहद शानदार मालूम पड़ती है। मैं तेरे इश्क में कब रिलीज होगी, इसके लिए शायद दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। नुसरत भरूचा की फिल्म अकेली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में जंग के बीच इराक में फंसी एक भारतीय लड़की की कहानी दिखाई गई है। ये लड़की इराक में 2014 में चल रहे सिविल वॉर में फंस जाती है और वहां से निकलकर अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश करती है। फिल्म में नुसरत के साथ लीड रोल में इसराइली एक्टर ताही हवलेवी और आमिर बोट्रॉस ने लीड रोल में ये दिखाई देंगे। फिल्म में नुसरत अब तक के सबसे अलग अवतार में दिखाई दे रही है। नुसरत की कहानी कई लड़कियों के दर्द को दिखाती है, जो हर किसी के मन में एक बार सवाल जरूर पैदा कर देगी। फिल्म के डायरेक्टर प्रणय मेश्राम पहले क्वीन और कमांडो जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। फिल्म को नितिन वैद्य, निनाद वैद्य और अपर्णा पटगांवकर ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। अकेली 18 अगस्त को रिलीज हो रही है। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।